ओके सो हे गाइस, फाइनली जिन चीजों को लेके हम लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब उन चीजों का इंतजार करना खत्म हुआ, क्योंकि OnePlus Nord 3 स्मार्टफोन्स के रिगार्डिंग लॉन्चिंग डेट को लेके बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। साथ ही साथ में स्मार्टफोन की क्या प्राइसिंग डिटेल्स देखने को मिलेगी ये भी लीक हो चुकी है। इनफैक्ट क्या रैम एंड स्टोरेज वेरियंट देखने को मिलेगा इसके ऊपर भी प्रॉपर डिटेल्स बाहर निकल के आ चुका है। तो चलिए, अगर आप भी OnePlus Nord 3 5G को लेके काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो के रिगार्डिंग क्लियर होने वाले हैं। आपको फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को एक एक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी एक लाइक कर लीजिए। तो चलिए स्मार्टफोन की फीचर्स की स्टार्ट स्मार्टफोन की डिस्प्ले से कर लेते हैं। स्मार्टफोन का डिस्प्ले 6.4 इंच की देखने को मिलती है। साइड में पंच होल सेल्फी शूटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसकी फीचर्स काफी हद तक सिमिलर नॉट 2T की तरह देखने को मिली थी, जिसमें डिफ्ट कर्व्ड एजेस के साथ ओवल कैमरा मॉड्यूल्स देखने को मिली थी। बट इन OnePlus Nord 3 यहाँ पे आप सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए स्टेबल ऑप्टिमाइजेशन 8K FPS तक की हेल्प ले सकते हो, वो भी डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में। बाय द वे, स्मार्टफोन का मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट रह जाता है स्मार्टफोन का कैमरा। वैसे आप भी मुझे सरप्राइज कर सकते हो अपने फोन से सब्सक्राइब करके, क्योंकि काफी मेजर इशू चल रहा है इस टाइम पे। OnePlus जो है अपने हर स्मार्टफोन में हर नए डिवाइस में सिमिलर कैमरा को डाले जा रहा है। जैसे कि OnePlus के Nord 2T जो आया था उसमें 50+8+2 मेगापिक्सल के कैमरा देखने को मिले थे, एंड OnePlus 10R जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसमें भी हमें सिमिलर ही कैमरास देखने को मिले थे। तो अब ये देखना होगा कि OnePlus Nord 3 स्मार्टफोन्स में 50 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर्स के साथ 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड को हटा के 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड को देखने को मिलता है कि नहीं। लेकिन स्पेसिफिकेशन सारे वही रहने वाले हैं, जहां पे सबसे पहले ही प्रोसेसर में यहां पे आपको रेज देखने को मिल जाएगी, जो कि MediaTek की 8100 Dimensity की चिपसेट, जो कि स्मार्टफोन के लिए एक्सपेक्टेड है और काफी तगड़ी वाली परफॉर्मेंस दे सकता है, इवन नथिंग फोन 1 से भी ज्यादा अगर सॉफ्टवेयर अच्छा हुआ तो। एंड डेफिनेटली स्मार्टफोन से आप बड़ी बड़ी गेम को हाई क्वालिटी में करके इजिली प्ले कर पाओगे। दूसरी जो सबसे बड़ी चेंजेस है वो है स्मार्टफोन के रिफ्रेश रेट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले यूज की जाएगी 6.55 इंच की या फिर 6.43 इंच की FHD+AMOLED डिस्प्ले के साथ में, वो 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ प्रोवाइड की जाएगी, जिसके मिलने पर आपके स्मार्टफोन में जो स्क्रोलिंग वगैरह है वो काफी ज्यादा स्मूथ रहने वाला है OnePlus Nord 3 के ऊपर। स्मार्टफोन की रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट्स के बारे में बात कर लें, दैन इंडिया में स्मार्टफोन के लिए चार वेरिएंट्स ऑफर किए जाएंगे, 6 to 128GB, 8 to 128GB एंड 256GB एंड 12 to 256GB। स्मार्टफोन के वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन के प्राइस को सेट किया गया है, जिसमें स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट का प्राइस इंडिया में 28,000 देखने को मिलेगा, मिड वेरिएंट का प्राइस इंडिया में 30 से 32 हज़ार के अराउंड देखने को मिलेगा, एंड जो स्मार्टफोन का टॉप एंड वेरिएंट है इसका प्राइस एक्चुअल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, इवन आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वैसे स्मार्टफोन का प्राइस अबव एंड अंडर 35,000 देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको स्मार्टफोन का प्राइसिंग कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जल्द ही हमारे चैनल पे पहला गिव अवे आने वाला है 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे। So I hope guys if you like this video and really get some helpful information. So if you really like this video, so please do subscribe and press the bell icon. So see you in next video.